जो सर्टेन यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ एक ऑर्डर आया कोर्ट का कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, पाबंदी लगवाने में आपका क्या किरदार रहा? क्या आप ये कह रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम के अंदर किसी को हक नहीं है कि वो वकील करके भी एप्लीकेशन फाइल करे? और कोई भी करता है भाई, जवाबदारी तो जुबरान नासिर की है। कौन सा केस अभी तक जुबरान नासिर के नाम से किस अदालत में फाइल हुआ? वो कहते हैं लेकिन पीछे एक सेकंड बात सुनो मेरे भाई, मैंने अपनी जात से किस अदालती फोरम पे जाके कहा है कि इनका मुंह बंद किया जाए? मैंने जितने भी लोगों की आप बात कर रहे हैं जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैंने इनमें से किसको आज तक नाम से मुखातिब किया? उस बच्ची का जहन तैयार करने में, जहन कशी करने में टाइम इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है? उस बच्ची की उम्र बहुत ही छोटी है। इकरार उल हसन जो मरूफ साफी हैं, उन्होंने भी इसी किस्म के इल्जाम लगाए हैं, आप इंडोर्स करते हैं उन इल्जाम? वो कह रहे हैं कि हम बड़े शानदार तरीके से अदालतों के अंदर झूठे एफिडेविट दे के अदालतों से फ्रॉड कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये समझ रहा हूँ जी, उनके मौकफ तो उनका, यही है। उनका आप ये कहना चाह रहे हैं? अब सर आगे बढ़ते हैं कि जो सर्टेन यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ एक ऑर्डर आया कोर्ट का कि उन्होंने तौहीन अदालत की है, फिर उन पर जो मुद्दई है उनके हवाले से बात करने पर भी पाबंदी लगी है, तो ये पाबंदी लगवाने में आपका क्या किरदार रहा है? आप अगर अदालत आ रहे हैं केस को फॉलो करने के लिए जी, तो यकीनी तौर पर अदालत में वो वकील खड़ा होकर जिरह करता है ना जी। जी मुझे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अलावा किस अदालत में देखा गया? मैं या बेल की हियरिंग में आ रहा हूँ, या चलान की हियरिंग में आ रहा हूँ, या MLO की हियरिंग में आ रहा हूँ, या 164 की हियरिंग में आ रहा हूँ, ठीक है? अगर किसी ने कोई बात की है जो कंटेंप्ट के ज़ुमरे में आती है, ठीक है, तो बतौर मेरे चेंबर से, मेरे दफ्तर से तो कोई पटिशन फाइल नहीं हुई है, ठीक है? मगर क्या आप ये कह रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम के अंदर किसी को हक नहीं है कि वो वकील करके भी एप्लीकेशन फाइल करे? और अगर वो करता है, कोई भी करता है भाई, जवाबदारी तो जुबरान नासिर की है, हमने ये तय कर लिया, ठीक है? मजाक का खिस बात है ना, ये अजीब सी बात है। अच्छा, उसके बाद ये कि वो तौहीन अदालत के हवाले से जिन जज साहब के पास कमेंट्स है, मैंने वो ऑर्डर पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी एक दरख्वास्त गुजार का मुकदमा है कि मेरी ज़ात के हवाले से कमेंट्स हैं, और यकीनी तौर पे थोड़े बहुत कमेंट्स उन्होंने देखे भी होंगे, उसको सामने उनके होंगे, तभी उन्होंने कहा जी ये मैटर मैं चीफ जस्टिस साहब को रेफ़र कर रहा हूँ, ठीक है भैया? उसके बाद अब उन्होंने कोई फैसला करना तो होगा। दूसरी बात यह है कि हत्या की इज्जत जी जी शहबाज शरीफ ने इमरान खान पे केस किया था, बहुत सारे होते रहे, इमरान खान ने किसी पे किया था, तो ये कोई नई बात है? नॉर्मल बात है ना, बिल्कुल। अखबारों के ऊपर किए हुए, जियो का बायकॉट कर दिया, कभी एयरवे का बायकॉट कर दिया, ये कर दिया। अब एक इंसान की अगर जात, अच्छा मेरी पर्सनल जात के वाले से बहुत कुछ बोला गया, ये आपके इल्म में जी जी वो बोला जा रहा है, उस पर भी बोला जा रहा है, कौन सा केस अभी तक जुबरान नासिर के नाम से किस अदालत में फाइल हुआ है? बिल्कुल कोई एक है? वो कहते हैं लेकिन पीछे आप नहीं, नहीं एक सेकंड बात सुनो मेरे भाई, यार आप सहाफ़ी हो, आपने पेन पकड़ा है, ये कैमरा है जी जी, हम छिछोरी गुफ्तगू नहीं करेंगे जी जी, बिल्कुल हम छिछोरी गुफ्तगू नहीं करेंगे, नेवर, ठीक है? जो कर रहे हैं उनसे आप मुतासर ना हो जी जी, ठीक है? हो ही नहीं सकते, ये तो फिर आप वही बात कर रहे हैं ना कि जी हर चीज़ के पीछे पेंटागन है, नहीं ब्रिज गिर गया पाकिस्तान में अमरीकी साजिश है, बिल्कुल सही है, ठीक है? एक अजीब सी बात कर रहे हैं जी जी भाई, कभी आप कहते हैं कि जी ये तो कोई वकील ही नहीं है जी जी, कभी आप कहते हैं जी तो रेगुलर वकील नहीं है तो रोज आके चेंबर भी नहीं खोलता, कभी आप कहते हैं कि जी ये तो कोई फॉरेन फंडिंग पे चलने वाला आदमी, इसको वकालत नहीं आती, बिल्कुल। कभी आप मेरी वकालत के इतने गुण गाते हैं कि जी इसके पीछे भी ये है, उसके पीछे भी वो है, फला काम भी किसने कर दिया, फला काम भी उसने कर दिया, एक किसी के खानदान के बारे में आपने गलीज तरीन बातें की हैं, उन्होंने जाके केस लेके अदालत को सारी चीज़ें पढ़वा के 3 पेज का एक ऑर्डर है जो मेरे भी सामने आया, मीडिया ने भी पढ़ा है, उन पर पाबंदी लगा दी गई है, ठीक है? मैंने अपनी जात से किस अदालती फोरम पे जाके कहा है कि इनका मुंह बंद किया जाए? बिल्कुल सही है। अगर मेरे बारे में बात, अच्छा चले यूं कर लें जी जी, जो मुद्दई मुकदमा ने केस किया कि मेरे और मेरे खानदान के बारे में बात ना की जाए जी जी, मैं क्या उनके खानदान का फर्द हूँ? नहीं। क्या वो ऑर्डर मुझे प्रोटेक्ट करता है? नहीं। क्या आज की तारीख में कोई अदालती ऑर्डर है जो उन लोगों को रोकता है कि मेरे बारे में मजीद बातें करें या ना करें? नहीं। कर सकते हैं ना जी जी, मेरा नुकसान जारी है जी जी, मेरी जात को मुतनाज़ा आज भी बनाया जा रहा है, इस वक्त जब मैं आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई बैठा हुआ मेरे अकीदे के बारे में, मेरे खानदान के बारे में, मेरी वकालत के बारे में, मेरे पास के बारे में कोई भी बात करते जो कर की भी जा रही जी है, बोतानबाजी हो रही है, मैंने किसको कदम लगाई है? मुझे पता चला है कि जी मुझे फलाना जगह पर एंट्री से पाबंदी है जी जी, वो भी प्रेस रिलीज के जरिए जी जी, तो आपको शायद इसलिए कि इस केस में एक मेरा एक तारुफ रहा है बतौर पब्लिक फिगर जी जी, तो आप जब किसी ऐसे इंसान को जिसको थोड़ा बहुत माशरा जानता है, पसीराई होती है, उसको जब आप उसके बारे में बात करते हैं तो लोग नोटिस लेते हैं क्या किया इसने, क्या हुआ, तो आपको एक टाइटल नाम मिला हुआ है जी जी, आप उसके बारे में कर देते हैं। मैं ये केस 13 जून को लिया था जी जी, मुझे बता दीजिए इस 13 जून से लेके अब तक बहुत सारी इंटरव्यूज़ हुए हैं, मीडिया टॉक्स भी हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए हैं, मैंने जितने भी लोगों की आप बात कर रहे हैं जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैंने इनमें से किसको आज तक नाम से मुखातिब किया?
नहीं, कभी नहीं सुना आपने। मगर मेरे बारे में तो रोज माशाल्लाह नाम लेके मुखातिब किया जाता है। मैं तो भाई किसी गिनती में नहीं लाता आपको। सही है। जो इन लोगों को एहसास नहीं है इस बात का कि मैं इस मुल्क में सामाजिक कारकुन या सियासी कारकुन 2013 से हूँ। कलदम जमातें भी भुगती हैं, दहशतगर्द जमातें भी भुगती हैं, हसास इदारे भी भुगते हैं, वडेरे जागीरदार भी भुगते हैं, बड़े रियल स्टेट टाइकून भी भुगते हैं, बड़े बड़े इसके मीडिया हाउसेस चैनल्स और उनके मालकान भी भुगते हैं। बिल्कुल। इनको शायद ये लग रहा है कि इनकी जुम्मा जुम्मा दिन 8 दिन पहले किसी की आँख खुली है कि ये इंसान कमज़ोर असाब का है, इसके ऊपर हावी हो जाओ। हम तो थ्राइव करते हैं अंडर प्रेशर। सही है। थ्राइव करते हैं अंडर प्रेशर। तो मैं नहीं इन लोगों के पीछे भागता कि मेरे बारे में ये कोर्ट में मैं चले जाऊं और ऑर्डर लूं। कोई गैर कानूनी काम हो रहा है तो अदारे हैं, वो अपना काम खुद करेंगे, उसका नोटिस लेंगे। मैंने तो उस वाले से भी नहीं की। हाँ, एक दरख्वास्त मैंने ज़रूर दी है। जी जी। और ये दी है अपने बार को कि क्या मैं बतौर वकील इस बात का हक रखता हूँ कि मैं रोज़ बग़ैर किसी भी खौफ के कि कोई बदतमीज़ी या कोई हरासमेंट कोई ऐसी चीज़ होगी, ठीक है, इस कंसर्न के सिर्फ अपने केस पे फोकस करके वकालत में आऊँ, माय लॉर्ड से मुखातिब हूँ, दलायल दूँ और घर चले जाऊँ। क्या किसी डॉक्टर को इजाज़त है कि वो सुबह उठ के अपने क्लिनिक पे जा सके? क्या किसी इंजीनियर को इजाज़त है कि वो सुबह उठ के अपनी फैक्ट्री में जा सके? क्या किसी क्रिकेटर को इजाज़त है कि बग़ैर खौफ के वो ग्राउंड में जा सके? होनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो अगर इस हवाले से रोका जा रहा है कि मैं एक केस छोड़ दूँ, यानी कि जो मेरा प्रोफेशनल ज़रिया है अपना काम करने का माशरे के अंदर, कुछ सामाजिक काम तो नहीं है कि आप बस बातें एक कॉज को लेके सपोर्ट कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल सर्विसेज में दे रहा हूँ। बिल्कुल। हमारा एक कंडक्ट होता है लॉयर्स का, उसमें अगर आप खलल डालेंगे तो मैं डेफिनेटली बार को बताऊंगा कि भाई मुझे, और बार ने इस हवाले से, आज मैं मशहूर हूँ सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का, उन्होंने जो इस हवाले से प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने इसी को मौकफ बनाया है। किसी वकील को उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज डिस्चार्ज करने से आप नहीं रोक सकते, या उस दौरान उसको हरासा नहीं कर सकते या इंटीमिडिएट नहीं कर सकते। वहाँ तक मेरी दरख्वास्त है। वो कोई लीगल फोरम नहीं है कि वो आके कंटेम्प्ट लगा देगा बार या कुछ ऐसा करेगा, बट बार ने एक मौका अख्तियार किया है कि अदालतों के अंदर ऐसी रविश हो कल को कोई भी वकील, सही है, अब तो यूट्यूब पर हर कोई है ना, जी जी, तो फिर कल को कोई भी वकील इसका निशाना बन सकता है। बिल्कुल। उस हवाले से, बट अदरवाइज जिनको कुछ नहीं मिल रहा वो नाम के पीछे पड़े हुए। मुझे लग रहा था कल तक केस जो है वो बच्ची की बाजियाबी का है, अब वहाँ पे शायद उनको तकलीफ पेश हो रही है तो उनको लग रहा है कि चलो किसी और बंदे को अटैक करके यहाँ ये मैच जीत लेते हैं। सही है। टेस्ट मैच हार रहे तो T20 को जीत लेते हैं, ठीक है, सही है। तो आप उनके खिलाफ इसी तरह मामला चलता रहेगा और कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? अच्छा, मेरी जात के हवाले से नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, मुझे ये बता दें कि मीडिया पर सर दो मौकफ हैं, दो नैरेटिव हैं। एक ये कि मुलजिम के पीछे गैंग है, दूसरा नैरेटिव है कि मुलजिम के पीछे कोई गैंग नहीं है। आप कौन से नैरेटिव को इंडोर्स करते हैं? मैंने ना मीडिया देख के केस लिया था भाई, ना मैं मीडिया देख देख के केस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। सही है। मैं इस केस में तफ्तीश देख रहा हूँ, ठीक है, मैं इस केस में ये देख रहा हूँ कि मिनटों में एक कार्रवाई की जाती है, मल्टीपल लोग आते हैं कराची से एक बच्ची को लेके जाते हैं, उस बच्ची का जहन तैयार करने में, जहन कशी करने में टाइम इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, उस बच्ची की उम्र बहुत ही छोटी है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जराइम के ख़तरे में उस पर आ सकती है, ठीक है, फिर उस बच्ची को पोशीदा रखा जाता है अगवा के 9 दिन बाद तक, और फिर 9 दिन बाद एक बात होती है, एक दावा होता है कि जी तो निकाह हुआ है 17 तारीख का, तो फिर अगर 17 तारीख से भी ले लें तो आपने 8 दिन क्यों पोशीदा रखा इस बात को, ठीक है, निकाह तो कोई हलाल काम है ना, हराम काम तो नहीं है, सही है। अगर हकीकी है और शरई है और लीगल है और वाकई में वली या सरपरस्त या किसी वकील की उसमें हुआ है रहनुमाई में या जो भी हमारी कानूनी और शरई कदरें उनको पूरा किया गया तकाजों को, ठीक है, फिर उसके बाद पता चलता है कि जब आपको पुलिस ढूंढने निकल रही है मई और जून के महीने में, तो हर एक सूबे के IG को लिखा गया, हर एक सूबे के होम डिपार्टमेंट को लिखा गया, रेलवे करा को पता है कि रेलवे को लिखा गया कि पटरी पे कोई गुजरता हुआ मिले, ट्रेन का टिकट खरीदता मिले, इस नाम से तो रोको, तमाम अस्पतालों को लिखा गया, मुल्क के तमाम दारुल अमानों को लिखा गया, बिल्कुल, मुल्क के तमाम अपने ये एयरपोर्ट्स वगैरह को लिखा गया, शनाख्ती कार्ड वगैरह बंद कराने की कोशिश की गई, फ्री बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए, कि पकड़ में नहीं आ रहे 4 सूबों की पुलिस में, सही है, और लाहौर, चिश्तियाँ, रहीम यार खान, बालाकोट, मानसेरा यहाँ मूव हो रहे हैं, ठीक है, आपको हाईकोर्ट का ऑर्डर है, इतने सख्त ऑर्डर हैं कि IG सिंध को डायरेक्ट जिम्मेदारी दी हुई थी, जो वो जब पूरी ना कर पाए, उनसे उसमें गफलत हुई तो उनको सस्पेंड कर दिया गया,
यानी कि एक प्रेशर एक तरीके से पुलिस ढूंढ रही है कि भाई हाईकोर्ट ने बुलाया है बिल्कुल, और आप सक्सेसफुली जो है आधे महीने तक 15-20 दिन तक चकमा देते रहे, ये कोई अकेला इंसान कर सकता है? बिल्कुल सही है, ठीक है, तो मशकूक चीज़ें हैं इसमें, ऐसी चीज़ें हैं। और फिर जो शुरू में मुलजमों की लिस्ट बनी, मुलजमान की लिस्ट बनी, वो 35 मुलजमान की है, वो नाम मैंने तो नहीं दिए, वो तो ऐसे नाम है जो मुद्दई मुकदमा ने जिंदगी में पहली बार पढ़े कि ये कौन है। ये तो वो लोग हैं ना जिनके पीछे पुलिस पहुंच रही, तो पता चला कि अच्छा यहाँ थे यहाँ से भी ले गए, वहाँ थे वहाँ से भी ले गए। सही है, तो अब इसको आप यूँ कह लीजिए यार कि 4 लोगों का खानदान, 11 की टीम, 16 का स्क्वाड, 35 लोग अगर हों तो उसको आप क्या कहेंगे? सही है, आप नाम दे दीजिए। सही है, ठीक है, नाजरीन से मैं पूछ रहा हूँ, आप नाम दे दीजिए। काफ़ी मुनज़्म गैंग ही कहेंगे, मुनज़्म ना भी कहें, हाँ मतलब कि 35 अफराद आए हैं ना, और उनमें सब आपस में रिश्तेदार भी नहीं है, सबका ताल्लुक एक शहर से भी नहीं है, अगर सहूलतकारी भी है। देखिए गैंग शायद लफ्ज इतना लोडेड है कि उसके जहन में पता नहीं क्या क्या इमेजेस आती है, बट डेफिनेटली क्या चंद अफराद हैं या ज़्यादा अफराद हैं? ज़्यादा अफराद हैं। क्या इसमें कहीं ना कहीं पुष्पनाई की जा रही है या छुपाया जा रहा है उन लोगों को जो पाकिस्तान में ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि अगर तुम्हें कोई कम उम्र की लड़की पसंद है या तुमने उसको अगवा करना है किसी भी मकासद के लिए और उसको अगर एक कवर देना है तो हम निकाह भी प्रोवाइड करेंगे, हम गवाह भी प्रोवाइड करेंगे, हम उसके हवाले से झूठे एफिडेविट भी बना के देंगे और हम अदालतों में 2-3 के अंदर हरासमेंट की पिटिशन्स भी डाल देंगे, और कोई मसला पड़ा तो पूरे मुल्क में तुम्हें अलग अलग शहर में वकील भी मुहैया किए जाएंगे। एक सर्विस है, जैसे आप मोबी लिंक के पास जाते हैं तो कहते हैं जी फ्रेंड्स एंड फैमिली पैकेज, ठीक है, बट सम फर्ज करो वो सिम जो आपको दी गई वो जाली है, आप पकड़े जाओ बड़ा मसला नहीं है, आपके साथ वो सिम अगर पकड़ी जाए ना तो पूरी कंपनी आ जाएगी। जी जी, ठीक है, क्या ऐसी कोई बात है कि इनके ज़रिए वो तमाम लोग जो पता नहीं इस मुल्क के कितने जहीर जैसे क्रिमिनल्स को सहूलत दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, वो पकड़ में आ जाएंगे, या डायरेक्टली इस केस के मुलजिम जो हैं वो कुछ ऐसे अफराद के साथ मुंसलिक हैं जिनका इरादा है कि बच्ची के साथ फिलहाल एक निकाह नामे का कवर लेके बाद में कोई ऐसा जुर्म किया जाए जिसमें उसको मुल्क के अंदर रखा जाए या मुल्क से बाहर भेजा जाए या कोई भी ऐसा काम किया जाए। और देखें कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क में ही पिछले 4-5 साल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कानून बने, इस मुल्क में ही 4-5 साल पहले चाइल्ड सेडक्शन के खिलाफ कानून बने, इस मुल्क में ही सेक्शुअल अब्यूज़ के खिलाफ कानून बने, इस मुल्क के अंदर ही आपने पैका 2016 FIA का जो कानून था उसमें बच्चों के वाले चीज़ें ऐड की, चूँकि इस मुल्क के अंदर आपको मिले ऐसे शवाहद कि छोटे बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली हम कोई मरीख की बातें नहीं कर रहे, ठीक है, हम इस मुल्क की बातें कर रहे हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, इनको डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जी जी। बट मैं अगेन हतमी राय नहीं दूंगा, ठीक है, पुलिस ने जो शुरू में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की थी मैं कह रहा हूँ जी उसको आप एक मंतकी अंजाम तक लेके जाएं। आप अगर एक रोड पे आ रहे हैं तो सडनली यूं डिपना मारे हैं, आप मुकम्मल करें करवाई और नजर भी आनी चाहिए। अभी जो लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सारी की सारी बच्ची के बयान पे बेस कर दी, अरे बच्ची तो 6 बयान दे चुकी थी 2 महीने पहले, ठीक है, नया क्या था? तो बीच में जब आपने वक्त आया और मजीद सेक्शन ऐड कर दिए थे, बयान तो तब भी था बच्ची का, उस वक्त क्यों सेक्शन ऐड किए थे? सही है, उस वक्त उधर पीछे हट गई थी, पुलिस का प्रेशर या मीडिया का प्रेशर आपके सामने था या अदालतों ने नोटिस लिया हुआ था तो आपने सही काम कर दिया, और जैसे ही थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ आपने कहा फिर निकाल दो सारे सेक्शंस, ठीक है, चीज़ों का जवाब पुलिस देगी। सही है, एक ज़मीन से सवाल यह भी है कि इकरारुल हसन जो मारूफ साफ़ी हैं उन्होंने भी इसी किस्म के इल्ज़ाम लगाए हैं, आप इंडोर्स करते हैं उन इल्ज़ाम को? देखिए बहुत बेहतर है कि आप इकरार साहब से खुद मिल के उनसे उनकी राय लें इस इशू के ऊपर। बिल्कुल सही है, मैं इस केस में मुद्दई मुकदमा का वकील हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ एक ही फरीक की राय को इंडोर्स करने का या उसका मौकफ पेश करने का कहते हैं इख्तियार रखता हूँ, और वो मुद्दई मुकदमा। आपने सर कभी अदालत में ये मौकफ इख्तियार किया है कि मुलजिम के पीछे गैंग है, और बेस लाइन क्या है जिस पर इस वक्त केस चल रहा है? अभी स्टेज के ऊपर ऐसी क्या चीज़ हुई है जिस जगह के ऊपर ये मौकफ इख्तियार किया जाए? बच्ची को जब कराची लाना था तो बच्ची को दारुल अमान में लवारिस कर दिया था, उसके लिए वो गैंग हो के ना हो सिर्फ ये बताना कि एक छोटी कमसन बच्ची दारुल अमान में लवारिस होकर ना पड़ी, वालदैन कराची में सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, ठीक है। बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रखना था, उसके लिए सिर्फ वो चाइल्ड मैरिज का ऑफेंस और जो निकाह नामा सामने आया वो काफ़ी था, ठीक है, उस पर फोकस किया। मुलजिम की बेल के ऊपर अभी तक दलाइल नहीं हुए हैं, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि वकील साहब आप कल क्या दलाइल देने जा रहे हैं और मैं पहले ही रिवील कर दूं, ठीक है, तो भाईजान फिर तो मेरी वकालत पे मजाक उड़ना चाहिए ना, ये तो अदालतों के लिए कुछ चीज़ें हैं
एक स्टेज के लिए चीज़ें हैं, उस स्टेज के लिए चीज़ें रहने दें। मैं अभी से बैठ के बताऊं कि मैं कैसे ए से बी और बी से सी और आखिर में एक्स वाई जी तक ये पूरी लड़ी पिरोऊंगा, वो मैं नहीं कर सकता। वो मेरे ख्याल में आपको पूछना भी नहीं चाहिए किसी तरीके से। वो पूछते ना आज आपकी क्या स्ट्रेटजी है क्रिकेटर से, हाँ। तो सिंपली बोलते हैं जी पॉजिटिव माइंड से जाएंगे ग्राउंड में, नहीं, मैं, तो हमसे पॉजिटिव माइंड से डाला जाएंगे। माजी के हवाले से पूछा था कि कभी इख्तियार किया है। और दूसरा सर जो मुलजिम, कोई ऐसी स्टेज नहीं आई ठीक है जिस पे मुझे इस चीज पे फोकस करना पड़े, बिल्कुल सही है कि इस चीज को करने के लिए आप ये काम करें, बिल्कुल सही ठीक है। अच्छा एक ये भी बताएगा कि जो मुलजिम की फैमिली है और उनके वकील हैं, वो ये कहते हैं कि जितनी भी अब तक कार्रवाई हुई है लड़की का दारुल अमान जाना और दारुल अमान से कराची जाना, ये उन्हीं का प्लान है और वो ये सारी कार्रवाई उनके हक में ही हो रही है और वो खुद ये करवा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये वाकईतन उनकी जीत हो रही है या अभी आपके हक में चीज़ें चल रही हैं? अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि हम उन्होंने वो कह रहे हैं कि हम बड़े शानदार तरीके से अदालतों के अंदर झूठे एफिडेविट दे के और अदालतों से फ्रॉड कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये समझ रहा हूँ जी उनके मौकफ तो उनका उनका आप ये कहना चाह रहे हैं, तो इसको जीत कहेंगे? वो तो कह रहे हैं, वो उनका अल्फाज। देखिए जिस बंदे को थोड़ी बहुत बेसिक तरबियत है सही गलत का, उसको सिखाया गया है कानून आईन और वालदैन ने, वो मेरे पास कोई आए गली से निकल के कहे जी मैं ये पराठो चोरी करके ले आऊँ, ओ भाई शाबाश, ये रवैया होना चाहिए? सही है ठीक है। अगर किसी ने अदालत में झूठे एफिडेविट जमा कराए हैं तो बेशर्मी की वो कौन सी मिराज है जिसके ऊपर बैठ के बंदा टेलीविजन पे यूट्यूब पे पब्लिकली बताए सही है कि जी ये तो हमने चकमा दिया अदालतों को, हमें अप्रिशिएट किया जाए? सही है, ये तो वही इंसान करेगा जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, तो दूसरा क्या इज्जत करेगा? अगेन ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लाहौर की अदालत में जहाँ से बच्ची ट्रांसफ़र हुई है वहाँ लिख के दे चुके हैं, ठीक है ठीक है। ये जिस दिन बच्ची दारुल अमान गई थी उसके अगले दिन 20 तारीख को एक दरख्वास्त फाइल हुई थी उन्हीं मजिस्ट्रेट साहब के सामने, सही है। और हमने उसी दरख्वास्त में हमने अदालत को बताया था, ये तो अभी दो दिन पहले इन्होंने बातें की ठीक है, कि एक प्लान के तहत के बाजियाब ना हो बच्ची रिकवरी जाहिर की, इन्होंने एक मलिशियस चाल चल के बच्ची को यहाँ डिस्कार्ड किया है और बच्ची को ये पता ही नहीं कि वो वक्ती तौर पर डिस्कार्ड और अबैंडन हो गई है। बिल्कुल सही है, सही है, ये तमाम चीज़ें तो हम उनको बता के दे चुके हैं ना। सही है। अगर आप फाइलें पढ़ेंगे और अगर आप केसेस करेंगे प्रैक्टिस में रेगुलर होंगे तो ये चीज़ें आपके पास ऑलरेडी क्लियर होंगी। सही है। आपको यूट्यूब देख के पता करने की जरूरत थी कि कौन क्या सोच रहा था। सर मुलजिम की फैमिली जो है वो मीडिया पर आई और उसने ये कहा है कि हम माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी तलाफी वाला सीन हो जाए, बतौर वकील मुझे बताइएगा कि ऐसे केसेस में माफ़ी हो जाती है, हो सकती है, सुलह सफाई वाला मामला हो सकता है? अगर फैमिली दुनिया की ऐसी कौन सी गाली है जो नहीं निकाली गई? बिल्कुल। तो ये तो अगर या तो इतने बुरे हैं मुद्दई मुकदमा, इतने जालिम और जाबिर हैं जो उनको बताया गया, तो वो क्यों माफ़ी मांग रहे हैं जिन्होंने गालियां निकाली थी, बोतान लगाए थे, इल्ज़ाम लगाए थे, किरदार कुशी की थी, एक छोटी कमसिन बच्ची अगवा करके फिर आपने उनको ह्यूमिलिएट किया था? बिल्कुल सही है। अभी आप किस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं? सही है। इसका मतलब है आपको ये लग रहा है कि आप जितना भी चिल्ला रहे हैं कि हमारी जीत है, आपको अभी भी पता है कि कहीं ना कहीं पकड़ हो जाएगी, ये मामला ब्लैक एंड वाइट नहीं है। तो देखिए एग्रेसिव अप्रोच होती है कि बेशक आप हार रहे हों मगर आपने फील्ड ऐसी रखी हुई होती है, आपने बॉलर ऐसे डाले हुए होते हैं, आप बाउंसर पे बाउंसर मार रहे होते हो कि आप बॉडी लैंग्वेज से दिखाओ कि अभी भी हम मैच नहीं आ रहे हैं ताकि सामने वाला घबरा जाए। तो ये इस तरह के स्टंट्स होते हैं रोज़। सही है ठीक है, हम तो उसको नोट ही नहीं करते, उसको संजीदगी से लेते ही नहीं हैं। सही है ठीक है। इंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, फैक्ट्स, फिक्शन, तमाम चीज़ों को आप देखें, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे लें। खैर इसको तो इंटरटेनमेंट भी नहीं कहा जा सकता बिकॉज हम गाली गलोच को और बहतानबाजी को और किसी कमसिन बच्ची की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने को जो है वो इंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में नहीं लाते। मगर वो यकीनी तौर पे देखिए मसला बताऊँ क्या है दोस्त जी, जी जो वो कंटेंट बना रहा है ना बाशमूल आपके जी जी ठीक है, आपको वो व्यू भी चाहिए जो कह रहा है फराज भाई कमाल कर देते ही जी जी ठीक है, आपको वो व्यू भी चाहिए बिग गया फराज, बिल्कुल सही, दोनों मिलके दो व्यू बनाते हैं, बिल्कुल व्यू तो बढ़ गया ना जी जी। आपको अपने कहते हैं मुरीद तो नहीं चाहिए ना, आपको अपने प्रस्तार तो नहीं चाहिए, आपको व्यूज चाहिए। सही है। अच्छा व्यूज़ हमेशा आएगी कि कंट्रोवर्शियल चीज़ से, एक सेंसेशनल चीज़ से, एक पोलराइजिंग चीज़ से। तो अगर आपका पहल मौकफ ये है कि यार मैं बतौर अहमद फराज बेशक बोरिंग चीज़ बनाऊँ बट क्रेडिबल चीज़ बनाऊँगा, ठीक
ठीक है, इंटेग्रिटी वक्त के साथ आती है। आज नहीं तो 3-4 साल बाद मेरी बॉडी ऑफ वर्क दिखाएगी यार कि फराज जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट बडिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, ये कोई बात अगर कहता है ना तो वो हकायक पे बेस होती है। बजाय इसके कि दूसरा आदमी जिसको ये फ़र्क ही नहीं पता कि वो यूट्यूब पे केस की बात कर रहा है या वो टिकटॉक बना रहा है, बस इंटरटेनमेंट दें आप, सही है कि लोग देखें, सही है, क्योंकि यूट्यूब तो पैसे दे रहा है ना उस चीज़ के, सही है। तो ये तो आप नीयत का दारोमदार है ना, तो इसलिए उस पर आप छोड़ें, वो किसी और पर्पज़ के लिए काम हो रहा है, आप उसको खाम खा संजीदा ले देते हैं। सही है। अच्छा आखिर में सर ये बताइएगा कि इस केस का एक बहुत बड़ा समाजी पहलू भी है, आम लोग बड़ी तादाद में निकले हैं, तो आखिर में बताइएगा कि आप लोगों को क्या मैसेज देते हैं कि वो किस बेस के ऊपर, किस प्रिंसिपल के ऊपर मुद्दई के साथ खड़े हों। आप समाजी कारकुन भी रहे हैं और इस केस का समाज के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो लोगों को क्या मैसेज देंगे? देखिए मुद्दई मुकदमा के साथ आपने क्यों खड़ा होना है, आपने तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ खड़ा होना है, आपने तो कानून के साथ खड़ा होना है, आईन के साथ खड़ा होना है। कानून में बड़ा वाजे है कि अगवाकारी क्या है, कानून में बड़ा वाजे है कि चाइल्ड मैरिज क्या होती है, कानून में बड़ा वाजे है कि जिंसी तशद्दुद क्या होता है, कानून के अंदर बड़ा वाजे है कि ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स क्या होती है, कानून में बड़ा वाजे है चाइल्ड मैरिज सारे ऑफेंसेस क्या होते हैं। एक इंसान इन जराइम का शिकार हुआ है, आपने सिर्फ ये करना है कि क्या आप जुर्म को जुर्म मानते हैं, अगर आप जुर्म को जुर्म मानते हैं तो शायद आप अपने आप को मुद्दई मुकदमा के हक में पाएंगे। बिल्कुल सही है। अगर आप जुर्म को जुर्म ही नहीं मानते तो मैं और आप किसके साथ क्या वक्त ज़ाया कर रहे हैं फराज भाई, कोई बेहतर काम ना करें। सही है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। जिब्रान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली गुफ्तगू इनके साथ की, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए।